को गलाने में लग गया। बोले कि एक जब हम लोग बाजार से निकलते हैं और जो व्यक्ति जानते नहीं है कि जैन मुनि है तो कहते पागल जा रहे पागल। तो एक व्यक्ति साथ में चल रहा था, बोला दो माज कैसा बोल रहा है, पागल बोल रहा है। तो सही तो कह रहे बेटा, कि सही कहा बोल रहा है, पागल बोल रहा है आपके लिए। मैंने बेटा सही बोल रहा है, कहां सही बोल रहा है, पागल बोल रहा है आपके लिए। तो बेटा ऐसे सही कह रहा है कि पागल पाप को गलाने में जितने पागल हो गए कि नंगे घूम रहे हैं, पाप को गलाने में इतने पागल हो गए कि कपड़े नहीं पहन रहे, पाप को गलाने में इतने पागल हो गए कि नंगे पैर घूम रहे, पाप को गलाने में इतने पागल हो गए कि एक टाइम खाते हैं, पाप को गलाने में इतने पागल हो गए कि एक टाइम खाते हैं खड़े होकर खाते हैं, पाप को गलाने में इतने पागल हो गए कि अपने सर के बाल, मूछ के बाल, दाढ़ी के बाल उखाड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे पागल हो गए, ऐसे पागल हो गए कि पूरी धरती पैदल पैदल नाप देते हैं। ऐसे पागल हो गए, कभी नहाते नहीं है, ऐसे पागल हो गए। दुनिया से बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट है, ऐसे पागल, इसलिए पागल है। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़का बोला तो ऐसे पागल को तो मोक्ष है, एक नहीं ऐसे पागल को मोक्ष बताओ, पर उस पागल को मोक्ष नहीं है जिन, क्योंकि ये पागल जो जिस पागल की अपन ने चर्चा की, इस पागल के पास मन है, ये मन के साथ ऐसा पागलपन कर रहा है। और अपन देखें दूसरा असंगी है, उसके बाद मन ही नहीं है, और मन नहीं है तो जे ऐसे पागलपन कर ही नहीं पाएगा है। क्योंकि देखिए एक पागल वो है बिना मन के, वो भी नंगा घूम रहा है तो लोग उसको दुत्कारते हैं, और ये मन के साथ पागल हैं तो पीछे साथ में लेके चलते हैं कि भैया ये प्रूफ है कि मैं मन वाला पागल हूं, मैं वो वाला पागल नहीं हूं। और मन वाला पागल हूं तो दुनिया समाज देख करके कहती है महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, और उस पागल को देख के दूर से चलो, ये पागल का कोई भरोसा नहीं। बताओ तो एक पागल का भरोसा नहीं और एक पागल पर एतबार है। बताओ एक गुरु के आगे आकर के अपन इतना एतबार है, मम्मी पापा भैया बहन से भी ज्यादा एतबार गुरु पर किया कि गुरु ने कहा जैसा कहा इस पंचम काल में, कहा कपड़े उतार दो उतार दिए, मंच पे उतारो मंच पे उतार दिए, इतनी भीड़ के सामने उतारो इतनी भीड़ के सामने उतार दिए, उनका एक टाइम खाओ उतार वो भी स्वीकार कर लिया, केस लॉन्च करो वो भी स्वीकार कर लिया, और मम्मी पापा ने कहा कि ऐसा कर लो तो कभी किया नहीं, क्योंकि वो पागल नहीं थे। और एक पागल ही तो दूसरे पागल को समझ सकता है, बताओ तो गुरु क्या है, महापागल। तो महापागल ने इतने सारे पागलों की फौज बना ली, और सारे पागल दुनिया की नजर में वैसे पागल हैं ना, पर ये वो पागल हैं जिनको मोक्ष होगा, जो सिद्ध सलामे जाएंगे, जिनको मुक्ति रमा क्या करेगी वरण करेगी, ऐसे पागल। तो बोले कि मन पर और तारीफ की बात सुनो, मन के साथ तो पागलपन करना पड़ेगा, पर ये मन जरूरी है, संगी व्यक्ति चाहिए मोक्ष जाने के लिए। पर तारीफ देखो कि जितने सिद्धालय में लोग पहुंचे हैं, अनंत अनंत लोग पहुंच गए सिद्धालय में, पर किसी के पास मन नहीं है। सिद्धों के पास मन होता है क्या है, बताओ तो मन किसके पास होता है बताओ, मन किसके पास होता है महाराज जी, विनोद सागर जी महाराज, मन किसके पास होता है, संगी के पास ना। अरे ज्ञानी आत्मा मन किसके पास होता है, संसारी जीव के पास।